हाय फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता अपने इस चैनल कुछ खास में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये देखिए मेरे नींबू के प्लांट हैं, इसमें कितने सारे नींबू आए हुए हैं। साथ ही ये देखिए, इसमें फ्लावर्स भी खिल रहे हैं। ये यहाँ पर है, ये देखिए इधर भी है, और यहाँ पर भी देखिए कितने सारे बर्ड्स आए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं दिखा देती हूँ आपको, इसमें ढेर सारे नींबू आए हुए हैं। आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। और साथ ही साथ इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स भी आ रहे हैं, और मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए छोटे टाइनी से नींबू हुए हैं यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, देख रहे हैं टाइनी से नींबू, एकदम बिल्कुल छोटे छोटे यहाँ पर, यहाँ यहाँ है। ये देखिए, अब दिख रहा होगा, साफ दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे नींबू हुए हैं यहाँ पर। और ये मैं इसकी एक ओवरव्यू आपको दिखा देती हूँ, और साथ में देखिए मिर्च भी हुए हैं, कितने सारे मिर्च है ये देखिए। और इसमें भी काफ़ी फ्लावरिंग हो रहे हैं, ये देखिए, ये मेरे मिर्च के पौधे, ये देखिए ये। लेकिन दोस्तों, आज मेरी ये वीडियो जो है ना, ये इस पे नहीं है, तो मैंने, मुझे अच्छा लगा कि मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके पहले मैं इसका वीडियो बनाई थी कि इसमें क्या क्या देना पड़ता है नींबू के पौधे में, तो आपके लिए कौन से अच्छे होंगे, इसीलिए मैं दिखा दी कि अब इसका रिज़ल्ट भी देख लिया आपने। पर आज की मेरी वीडियो कुछ अलग है। वीडियो जो है मैं बना रही हूँ, वो है क्या कि आपके प्लांट के लिए कौन सा प्लांटर अच्छा रहेगा, मिट्टी के या प्लास्टिक के। सिरामिक भी होते हैं और सीमेंट के भी होते हैं, लेकिन मेरे पास सीमेंट और सिरामिक नहीं है, मैं नहीं दिखा पाऊँगी। तो इसमें से कौन सा बेटर रहेगा आपके प्लांट लगाने के लिए, और किस में आप कौन सा प्लांट लगाएं। तो ये तो दोस्तों मिट्टी वाले हैं, और ये देख सकते हैं आप प्लास्टिक के हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छे फ्लावरिंग हुए हैं, और इसमें भी अच्छे फ्लावरिंग हो रहे हैं। ये देखिए, ये फॉक्सटेल फर्न है, तो ये जो है ये भी मेरे प्लास्टिक के ही हैं। ये देखिए, ये हैंगिंग है। तो मैं इसमें बता देती हूँ दोस्तों, ये जो मिट्टी के है ना, ये बेटर ऑप्शन है बाकी प्लास्टिक कंटेनर से, चाहे सिरामिक हो चाहे सीमेंट वाली हो। अब क्यों, ये इसलिए है कि ये मिट्टी के बने हुए हैं, और मिट्टी के ये जो गमले में ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वो क्या होता है ना, एयर जो है ना, एयर अंदर बाहर आराम से कर सकती है, जो इन पौधों को ज़रूरत है, जड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसमें प्लास्टिक के पॉट में आपको कहीं पोर्स नहीं दिखाई देंगे, और इसमें जो है ये, इसमें हवा अच्छी तरीके से आती जाती रही है। दूसरी बात है, जब इसमें आप पानी डालेंगे तो कुछ पानी तो ड्रेनेज होकर निकल जाती है, और जो एक्स्ट्रा पानी रहती है ना, वो मिट्टी चुकी है तो ये अपने आप में ये एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन प्लास्टिक के कंटेनर आपके एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, वो मिट्टी के अंदर ही रह जाएंगे। इसीलिए जब भी अगर आप प्लास्टिक के कंटेनर में अपने प्लांट्स लगाते हैं, तो वो नीचे की ओर जो है ना, वो देखिएगा कि उसके अच्छी तरीके से होल बने रहे। देखिए ये होल, और मैंने किसी होल को भी बंद नहीं किया है, ताकि एक्स्ट्रा पानी आराम से निकल सके, उसे कहीं भी रुकावट नहीं है। शुरू शुरू में आपकी मिट्टी थोड़ी निकलेगी, लेकिन बाद में पानी अच्छी तरीके से निकल जाए, इसीलिए मैंने इसमें ठिकड़ी वगैरह नहीं लगाई है, किसी में भी नहीं, ना इसमें लगाई है। ये देखिए, इसके भी पोर्स कितने बड़े बड़े हैं, पोर्स कह रहे हैं जो नीचे वाली होल होती है, इसमें भी ढेर सारे होल आपको, अगर नहीं है आपके प्लास्टिक के प्लांटर में होल, तो आपको ढेर सारी होल बना लेनी है, कम से कम 5 से 6 होल तो आपको थोड़ी बड़ी बड़ी ही बनानी पड़ेगी। और ये जो दोस्तों, ये मिट्टी के जो गमले होते हैं ना,
ये हीट को अंदर आने नहीं देते। जब गर्मी का मौसम रहता है ना तो हीट को अंदर आने नहीं देते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे ठंडक मिलती है। और जब भी आप गर्मी के मौसम में प्लांट में पानी दे तो इसमें तो दे ही, साथ में गमले को भी भिंगो दे, तो वो क्या होती है ना, इसके जड़ों को ठंडक देती है। लेकिन ये नहीं कर पाएगी, ये जो है ना, ये सूरज की रोशनी में ये गर्म हो जाती है और ज़्यादा गर्माहट देती है। साथ ही साथ मैं इसमें बता देती हूँ, इसमें बहुत काले रंग के, आप देखिएगा, काले रंग के पॉट भी आते हैं नर्सरी में, वो पॉट बहुत देते हैं, काले रंग की आती है, वो पॉट कभी नहीं खरीदेगा, वो तो हीट पूरी एब्जॉर्ब कर लेती है और वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगी और आपके पौधे जो है ना वो गर्मी में ख़राब हो जाएंगे। तो वो कलर के खरीदेंगे नहीं, आपको ख़रीदना है तो आप इस कलर के ख़रीदिए, ये जो टेराकोटा कलर का जो आता है वो ख़रीद लीजिए, ग्रीन खरीदिए, कोई दूसरे कलर की हो लेकिन ब्लैक मत खरीदिए। तो ये हो गई, ये जो हीट और ठंड, जब ठंडे का मौसम होता है ना तो ये उल्टा काम करती है, ये हल्की सी गर्माहट बना के भी रखती है। और ये तो आपको ठंडा अंदर आने नहीं देगी, इसलिए ठंडे के मौसम में मैं ये सब प्लांट लगाई हूँ इसमें। अच्छा, और एक चीज़ है कि जैसे आप कौन से पौधे इसमें लगाएं, तो अब मिट्टी के पौधे में जो पेरिनियल प्लांट होते हैं वो हमेशा आप मिट्टी के इसमें लगाएं, क्योंकि वो सालों साल चढ़ने वाले हैं। जैसे बरसात का मौसम आएगा उसमें पानी वगैरह बहुत ज़्यादा, अपने मान लीजिए ऊपर सेड वगैरह नहीं है, किसी कारण से सेड नहीं दे सके, या फिर सेड दिए भी हैं तो पानी तो एक तरफ से आती नहीं है, जो रेनी सीजन में रेन वाटर जो होती है इधर उधर से तो छींटे पड़ते रहते हैं, तो अगर वो पानी गिर भी जाए इसमें अच्छी तरीके से तो वो ड्रेनेज भी हो जाएगी और बाकी एब्जॉर्ब भी हो जाएगी। लेकिन इसमें अगर पानी ठहर जाए तो पौधे आपके ख़राब हो जाएंगे। तो जितने भी पेरेनियल प्लांट है वो फिर गर्मी में भी वो ठंडक पहुँचाएगी, ठंडे में भी थोड़ी सी गर्म रखेगी, तो ये ज़रूरी है। और मल्चिंग भी कर दीजिए इसमें, तो इसमें पानी आपको मल्चिंग करने के बाद भी पानी दीजिए तो भी आपको चिंता नहीं रहेगा, ये पानी आप जानते हैं कि बाकी एब्जॉर्ब करेगी और ड्रेनेज हो जाएगी। तो आप जो भी कोई भी पेरिनियल प्लांट लगाए दोस्तों, वो आप इसमें लगाएं मिट्टी के इसमें। ये भारी होती है दोस्तों और ये होती है हल्की। और मैं वो बता देती हूँ, और सीजनल जितने भी प्लांट है आप उसे इस कंटेनर में लगा सकते हैं, सीजनल वाले, क्योंकि वो सीज़न के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे और ख़त्म हो जाने के बाद वो आप फिर रख दीजिए, फिर सीजनल वाले इसमें पौधे लगा दीजिए, वो एक सीज़न तक चलने वाले पौधे को आप इसमें लगाएं। और दूसरी बात है, अगर हैंगिंग वगैरह करना पड़े दोस्तों तब आपके, लेकिन इस पॉट को लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, प्लास्टिक वाले, इसमें आप ये इसे आप हैंगिंग करना थोड़ी मुश्किल होती है, हालांकि करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये खुद ही भारी होती है बहुत। तो इसमें आप कोकोपीट मिलाकर, कंटेनर में कोकोपीट मिला लीजिए और उसके बाद इस मिट्टी दीजिए हल्की, लेकिन उसके साथ कोकोपीट ज़्यादा मिला लीजिए तो ये हल्की हो जाएगी, हैंगिंग के लिए बेस्ट है। हाँ, और दूसरी बात है, जैसे ये हल्की होती है ना तो इसे आप कहीं भी आराम से आप ले जाके अंदर बाहर कर सकते हैं, लेकिन ये पॉट जो होती है ना ये भारी होती है, तो ये चूँकि भारी होती है इसीलिए आपको ये पॉट थोड़ी इधर उधर ले जाने में तकलीफ़ होगी, ये उतनी पोर्टेबल नहीं होती, या फिर ये आपके जो है ना, अगर थोड़ी भारी है हाथ से टूटने के भी डर रहती है, अगर छूट गई तो टूट जाती है। लेकिन ये आपके लेकिन इसकी पॉजिटिव साइड है, ये सालों साल चलने वाली है, अगर आपके हाथ से नहीं टूटे तो, किसी कारण से हाथ से चाहे धक्के से नहीं टूटे तो ये सालों साल चलने वाली प्लांट है, प्लांटर है। और ये वाली जो है ना, ये वाली आपके दो साल के बाद, दो से ढाई साल के बाद, ये सूरज की रोशनी के कारण हो, पानी के कारण हो, इसके कलर भी अलग हो जाते हैं और ये फटने शुरू हो जाएंगे, तो ये चलती भी ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा टिकाऊ है, सबसे अच्छा प्लांट के लिए ये होता है। बस अगर आपको हैंगिंग वगैरह करना हो तो इसमें बेनिफिट है, ये हल्की होती है, कोकोपीट के साथ आप लगाइए तो ये आपको हल्की लगेगी। और दूसरी बात है, और इसे आप कहीं थोड़ी पोर्टेबल होती है, ये इसको आप आराम से इधर उधर ले जा सकते हैं, तो इसकी खासियत यही है, ले आप कहीं भी इसे इजीली ले जा सकते हैं, हैंगिंग बना सकते हैं। लेकिन इसमें जब भी आप यूज़ करें इसे तो
सीजनल प्लांट के लिए यूज़ करें दोस्तों। मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी सीजनल, और जो सालों साल चलने वाले हैं वो आप मिट्टी के ही पॉट में लगाएं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल बटन दबाइए, आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय।